बेटा ये आपको छोड़कर कहीं गई थी क्या? नहीं, मेरे साथ ही थी। ये आंटिया ने मुझे को गाना भी नहीं दिया, बहुत गंदी आंटी है। देखिए, इस बच्चे की बातों से तो कुछ साबित नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, हमें हमारा बच्चा मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम हमारी कंप्लेंट वापस लेते हैं। धैर्य जी, हम आपकी पत्नी को एक शर्त पर छोड़ेंगे। इस केस से संबंधित कभी भी हमें कोई जानकारी चाहिए होगी तो उनको यहाँ हाजिर होना होगा। जी इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप कहें, आप जब कहेंगे हम तब आ जाएंगे। कांस्टेबल, छोड़ दो इन्हें। जी सर। माते, संतोषी इस समय बच गए, किंतु देवी पौलमी की अनुचर को रोकना होगा। गौ माता, नकारात्मक शक्तियों को रखने वाला निरंतर अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाता है, जिस पर हम ग्राम नहीं लगा सकते। हमें संतोष इस बात का है कि संतोषी के साथ रुद्राक्षी है और वो उसका सुरक्षा कवच है, इसलिए आप व्याकुल ना हो। इधर आओ। डरो मत बेटा, जाओ बात करो। सोनू, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, बात करो उनसे। से क्यों डर रहे हैं? आप तो इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको सब बुरा कौन कर सकता है? आप जिस आंटी से डर रहे थे ना, वो हम नहीं कोई और थी। वो बात आंटी बहुत बुरी थी। हाँ बेटा, बहुत बुरी थी। चलो बेटा, चले। जी धन्यवाद। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। संतोषी, ये तृष्णा इतनी हद तक गिर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। इसीलिए हम आपको उनसे दूर रहने के लिए कहते थे। ये माँ बेटे मिलकर काला जादू करते रहते हैं। पर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो चुप बैठने वाली नहीं है। शांत तो नहीं बैठेंगे, कुछ तो करना होगा। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, देवी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।